सबसे पहले क्या प्रोसेस रहता है आइस को बनाने का? सबसे पहले अपन को कंप्रेसर स्टार्ट करने से पहले पंप स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, पंप स्टार्ट होते ही पानी ऊपर से नीचे आना लगेगा, उसके बाद अपन कंप्रेसर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मशीन मेन कंप्रेसर है। ये बर्फ बनाने की मेन मशीन, इससे बर्फ का मेन बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है? नेक्स्ट ये मशीन कंप्रेसर रोड पे आ जाता है। अच्छा, अपन फिर उसको माल में इसी वाल से मेंटेनेंस करना पड़ता है। अच्छा, ये मेन वाल्व रहता है जिससे कंट्रोल में रहता है। और यहाँ पे ऐसे कि दो से तीन वाल्व जो है, दो वाल्व है, दो प्लांट है, दो वाल्व, एक प्लांट का एक बोला जा रहा है। देखिए आप यहाँ पे जो है पानी को पूरा अच्छी तरह से जो कैनों के अंदर भर दिया जाता है, उसके बाद जो है इसको लगभग 24 घंटे के लिए रखा जाता है। लगभग 24 घंटे के लिए जो है अंदर ऐसे जो है डब्बों को जो है पानी के अंदर डाला जाता है, उसके बाद पानी भर के जो है उसकी तैयार होगी 24 घंटे बाद। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बर्फ़ की सिल्लियाँ जो है तैयार होकर यहाँ पे लाई जा रही है। देख सकते हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है बर्फ़ की सिल्लियाँ लाई जाएगी। देखिए आप कंटिन्यूसली बर्फ़ की सिल्लियाँ जो है तैयार हो चुकी है। इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की आज आपको मेकिंग दिखाई है, कैसे बर्फ़ की सिल्लियाँ तैयार होती है।